हम लोग रिटर्न जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे टाइमिंग मैचिंग नहीं हो रहा है। हम लोग को सिलीगुड़ी भी जाना है नेपाल। मजा है ना, मौसम भी मजा है, वेदर भी मजा है, हम भी मजे में है और रास्ते भी मजा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह उठ गया, रोक भी जाएगा तो इसलिए सुबह सुबह उठ गया। तो अभी टाइम हुआ 6:30 बजे। ये लोग उठा था, वो देखता हूँ क्या रूपये में। सुबह जाना पड़ता है नहीं तो नहीं मिलता है देखने को। आँख भी नहीं खुल रहा है, आँख पूरा लाल हो गया। फिर भी आज आया तो घूम के जाना पड़ेगा ना। ठीक है, उठा के नहीं जमीन थोड़ा तो भाई सुबह सुबह निकल चुका है अभी गाड़ी ढूंढने के लिए रोप वे जाने का। पता नहीं अभी मिलेगा कि नहीं, अभी तो टाइम लगभग हो ही गया और जाने में 1 घंटा जैसा लगेगा। फिर भी ट्राई करता है, अगर रोप वे का टिकट मिले तो एक बार घूम के जाते हैं, क्या बार बार थोड़ी ना आएगा ना। तो इसलिए सुबह सुबह ये है दार्जिलिंग बाजार का लुक। सुबह सुबह ब्लू लाइट होटल तो सिलीगुड़ी का गाड़ी मिल रही है शेयरिंग वाला, वो सामने बस स्टैंड है, वहाँ पे जाना है हम लोग को। सुबह सुबह उठने में बहुत तकलीफ होता है क्योंकि रात को सोया भी लेट से, क्या करके फिर भी आज ही लास्ट है, टाइम भी मैनेज करना है और ये घूमने के लिए तो सुबह ही उठना है जैसा भी हो। तो इसलिए सुबह सुबह उठ के आ गया, निकल गए हम लोग रोप वे के लिए। हो आ रहा है पीछे, सामने है, लगभग पहुंच ही गया, देखते हैं क्या होता है, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक बार पूछ लेगा, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो छोड़ देगा, नहीं जाएगा क्योंकि ऐसे भी रात को सोया नहीं ठीक से। इट्स टू हार्ड सुबह सुबह उठ के घूमने जाना, वो भी लाइक नींद पूरा नहीं हुआ, ताकि बार बार आने का जगह नहीं है ना, इसलिए जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं अभी गाड़ी मिलता है कि नहीं। ये रहा बस स्टेशन, अभी ये रहा बस स्टेशन, यहाँ पे सब बस मिलता है, डोगी घूम रहा है, एकदम मिल जाएगा शायद बस। बस तो नहीं जाते, सोमो जाते, सामने सोमो मिल जाएगा। मिल गया गाड़ी अभी रोपवे का, 200 रुपया रिजर्व लिया। अभी इधर में सब रिजर्व ही चल रहा है, क्या करें, उपाय नहीं है। फिर भी 200 रुपया जाके अभी टिकट मिलेगा तो अच्छा है। कितना मिनट, कितना टाइम लगेगा भैया, कहाँ जाना है? लोग बेटा यहाँ से, यहाँ से हाँ 10 मिनट। 10 मिनट, अच्छा ठीक है, बस टिकट मिलना चाहिए। भैया ने इधर छोड़ दिया हम लोग को, अभी इधर है रास्ता, इधर से जाना पड़ेगा हम लोग को ऊपर तक। अरे भाई बहुत ऊपर है, रोपे जाना है तो ऊपर जाना ही पड़ेगा। देखते हैं फिर से लाइन है, वो ऑलरेडी लाइन में है। लाइन थक गए, एक्सीडेंट दिन तो थक लाइन ऑफ नोटिस।
सो ये वाला कॉलेज पे तीन मूवी शूटिंग हुआ है। मोहब्बते का जो गुरुकुल का सीन है यहाँ पे शूटिंग हुआ था, और मेहुना मूवी का थोड़ा कुछ पार्ट इधर में शूटिंग हुआ था, और एक कॉलेज है सेंट पॉल ये सामने ही है, उसमें शूटिंग हुआ था, लेकिन वो थोड़ा उस साइड में इसलिए नहीं। और यारिया ये तीन मूवी यहाँ पे शूटिंग हुआ है, उधर असेंबली हो रहा है अभी, तो दिखाई दे रहे हैं सुबह 7 बजे असेंबली स्टार्ट हो गया है लोग का। वो फादर कुछ लिख सकते रहे, तो ये पूरा बास्केटबॉल कोर्ट। लेकिन मूवी में जो दिखाया था उसका रोड वगैरह सब अलग था, मूवी का मेकर लोग कैसा बनाता है, क्या चीज़ को क्या बना दिया पहचान जाचे, इनका लोग खुद पहचान, इस कॉलेज का स्टूडेंट खुद पहचान नहीं पाएगा क्या कि हम लोग का स्कूल है बोल के, ऐसा है। पूरा टाइम भी उधर पूरा सही सही चल रहा है, 7:30 हो चुका है। अभी कुछ खाते हैं, खाने के बाद देखते हैं क्या होता है, क्या मिलता है इधर, सुबह सुबह कुछ दुकान खोलेगा कि नहीं, कुछ देखते हैं। हाँ, हम लोग रोक हुए से रिटर्न जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर टाइमिंग मैचिंग नहीं हो रहा है हम लोग का। हम लोग को सिलीगुड़ी भी जाना है, नेपाल बॉर्डर भी घूमना है, बहुत सारा प्लानिंग है, इसलिए हम लोग रिटर्न आना सही समझा, क्योंकि रोक हुए है वो। हम लोग 7 बजे गया था ना, तो टिकट देगा 9:30 को और स्टार्ट होगा 10 बजे, तो 40 मिनट्स का राउंड है, मतलब 11 बजे तक हो जाएगा। तो 11 बजे तक अगर हो गया तो हम लोग को रूम पहुँचते पहुँचते 12 बज जाएगा, 12 बजे अगर निकलेगा तो 3 बजे तो नहीं पहुँच पाएगा सिलीगुड़ी, और हम लोग का 5 से 4 बजे। सो इस हिसाब से हम लोग कैंसिल ही कर दिया, रोक हुए नेपाल बॉर्डर ही घूम लेता है। तो अभी हम लोग रूम जा रहा है, लेकिन गाड़ी में आया था 15 रुपये करके भाड़ा लेता है रोक हुए के इधर से मार्केट से, लेकिन जाम बहुत है, इस जाम की वजह से हम लोग अभी पैदल ही जा रहे हैं। लगभग 20 मिनट का रास्ता है पैदल आने से, गाड़ी में आया था आधा रास्ता, तो आधा रास्ता पैदल ही जा रहा है। ये कुछ लोग का कॉन्वेंट, देखिए जाम, दार्जिलिंग में बहुत जाम है, आप मेरा पीछे भी देख सकते हैं, बहुत जाम है। हम लोग दो आ रहे हैं, वो दोनों गाड़ी में बैठा है, वो गाड़ी में बैठा है, मोटा आदमी है ना, चल नहीं सकते, बहुत थके हैं क्योंकि हिल रही है ना थोड़ा चलने में भी, लेकिन एक काम अच्छा क्या है, वेदर अच्छा है तो इतना भी वो नहीं, लाइक वी कैन इजीली वर्क। अच्छा जाम, देखिए जाम बहुत जाम है। तो अभी का फिलहाल प्लानिंग यही है, 10 बजे इधर से निकल जाएंगे, 10 बजे इधर से निकलने से हम लोग को सब मतलब टाइम हो जाएगा। हम लोग का ड्राइवर ऐसे, हम लोग जो ड्राइवर गाड़ी से आया है वो ड्राइवर को कॉन्टेक्ट किया हम लोग, वो आ रहा है हम लोग को लेने के लिए। सो अगर सब सही रहा तो अकॉर्डिंग टू प्लान हो जाएगा, मैं देखता है क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट। चलिए मार्केट पहुंच गए, ये होटल क्वीन दार्जिलिंग, बहुत सारा होटल है, आप प्री बुकिंग भी नहीं करने से सीजन टाइम में भी मिल जाएगा शायद लोग, क्योंकि बहुत सारा होटल है, क्योंकि जिस दिन आएगा आप उस दिन के लिए एक रूम बुक कीजिए, बाकी ऐसे मतलब जाइए भी मिले रूम बुक कीजिए, आए जाइए रूम में स्टे कीजिए, आने के बाद थक जाएगा घूम भी नहीं सकेगा, तो आने के बाद रेस्ट कीजिए, उसके नेक्स्ट डे अलग रूम मतलब बाजार में अच्छे से रूम देख के चूज करके अंडर बजट तो आप लोग आराम से घूम सकते हैं। ऐसे अगर रूम बिना टिकट के आएगा तो थक जाएगा, कितना रूम लूटेगा। लेकिन इधर में एक बात अच्छा है, हर प्राइस मतलब ड्राइवर का यूनिटी है, तो प्राइस भी आप अपनी मर्जी से वो कर सकते हैं, मतलब बार्गेनिंग ज़्यादा नहीं होता इधर में, जो फिक्स है फिक्स है, आपसे भी जो लेगा मेरे से भी वही लेगा, ऐसा नहीं कि आप ट्यूरिस्ट हो तो आपसे ज़्यादा लेगा, ऐसा नहीं है, तो एक अच्छा है। ठीक है जाम, देखिए जाम, ठीक है ये है बस स्टैंड, गर्मी उठ के बस स्टैंड
हेलो गाइस, तो अभी हम लोग का हो चुका है सब रेडी, पैकिंग कर लिया हम लोग, अभी निकलने वाला है थोड़ा और आधा घंटा में निकलेगा। अभी गाड़ी ड्राइवर भी पहुंच चुका है, सो ये रूम पैकिंग बैग वगैरह सब ले लिया, सब पैकिंग हो गया, बैग पैकिंग हो गया, ये कपड़ा ले लिया, हो गया मार्केटिंग भी हो गया, जो भी लिया था मार्केटिंग भी हो गया, अभी सब हो गया। तो अभी चलो मिलते हैं रास्ते पे। तो हम लोग का अभी हो गया, खाना आ गया हम लोग का, तो ब्रेकफास्ट करेंगे और निकलेंगे डायरेक्ट यहाँ से, और कुछ काम नहीं है अभी ऐसे। देखो हरी में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, खड़ा खड़ा होके हरी में ब्रेकफास्ट ऐसा ही होता है दोस्त। तो ये सब हो गया, सब पैकिंग हो गया हम लोग का, जूता सुखाने दिया है, थोड़ा देर सूखने के बाद पहनेंगे। कल से जूता धोया नहीं है ना, बहुत मैला हो चुका है जूता। देखिए जाम, ये जाम की वजह से जल्दी निकलना पड़ता है, नहीं तो दार्जिलिंग जो सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है, 2 मिनट मतलब 2 घंटे का रास्ता है, ये जाम की वजह से 4 घंटा लग जाता है। चलिए बस स्टैंड में आके रुका है हम लोग, अभी ये बस स्टैंड है, बस स्टैंड में वो आ रहे हैं, अभी ये सिक्किम का रास्ता है, इधर से आ रहे हैं, तो अभी वो आके हम लोग पिकअप करेंगे। बहुत जाम है। और आज देखो मौसम सलाह रुका दिया, धूप भी निकला है आज, हम लोग आज निकलने वाला है तो आज धूप निकला है। ये लोग शायद गजल में आज निकलने वाला था, 2 दिन से इतना बारिश है, आज धूप निकला है, आज निकलने वाला है, बहुत खराब हुआ आप लोग के साथ। जाम देखिए, धूप भी निकला है, पूरा मौसम सफेद है, आज घूमने का बहुत मजा है। आज अगर घूमने निकले तो सब साइट सीन हो जाएगा, अगर ऐसा मौसम रहा, बारिश नहीं है, मजा है। धोखा हो गया हम लोग के साथ दार्जिलिंग में, देखिए मौसम देखिए पूरा साफा। दार्जिलिंग ट्रेन स्टेशन, रूम स्टेशन का व्यू देखिए, दार्जिलिंग मजा व्यू है, ये है घूम स्टेशन अपना। हम लोग अभी ये है घूम स्टेशन, ये हाईएस्ट स्टेशन है, सबसे मतलब ऊपर वाला स्टेशन है ये। घूम दर्जन स्टेशन बस घूमने आया है हम लोग, खाने पीने का दुकान बहुत सारा है इधर में, स्वीट वगैरह, स्वीट कॉर्न आ रहे मज़ा, और इधर में साइड लिखा है वेटिंग हॉल वगैरह। यस, ये सबसे टॉप में जो स्टेशन है यही है, इसके ऊपर में और कोई स्टेशन नहीं, यही सबसे अच्छी चीज़ दिखाई कितना है। ये प्राइस का पर पैसेंजर, ये प्राइसिंग स्टेशन, ये घूम स्टेशन इसका व्यू भी देखिए मजा है। रूम म्यूजियम भी है इधर में, म्यूजियम भी है, 20 रुपीज़ पर हेड म्यूजियम का टिकट है, आगे तो एंट्री करके घूम सकते हैं। सो ये एंट्री फी 20 रुपया है, लेकिन काउंटर नहीं है, हम लोग को काउंटर नहीं मिला इसलिए ऐसे ही घुस गया। सो ये ट्रेन, ये भी एक ट्रेन का इंजन रखा हुआ है जस्ट फॉर फोटो क्लिक करने के लिए, शायद वो जिनल इंजन ही है, मैंने इसे फोटो खींचने के लिए रखा है। ये स्टेज है, कभी प्रोग्राम होने से इधर होता है। 7407 फीट, इतना ऊपर है हम लोग अभी स्टेशन।
स्टेशन दो के लोग सोया हुआ है मुझे ऐसा। ये ठंडे का मौसम है ना, इधर में डोगी लोग बहुत अच्छा दिख रहा है। स्टेशन ये रहा घूम स्टेशन, सबसे हाईएस्ट एटीट्यूड में, मतलब टॉप पे जो स्टेशन है यही है, इसके ऊपर में और स्टेशन नहीं है, मतलब पूरा दुनिया में यही है सबसे टॉप वाला स्टेशन है। फोटो खींचता है इधर, वो स्टेशन खड़ा हुआ है। तो इधर से हम लोग, मतलब अभी एक गाड़ी रिजर्व किया ना, तो गाड़ी का हम लोग क्या हुआ, प्रोग्राम थोड़ा चेंज हो गया। प्रोग्राम चेंज ऐसे हुआ कि हम लोग पहले प्रोग्राम किया था कि आज डायरेक्ट सिलीगुड़ी निकलेंगे और सिलीगुड़ी के बाद डायरेक्ट वहाँ से हम लोग जाएंगे सिलीगुड़ी से डायरेक्ट घर। लेकिन कुछ सडन प्लान चेंज हुआ ऐसे कि हम लोग रोपवे तो नहीं घूम पाया, बिकॉज ऑफ हम लोग थोड़ा टाइमिंग का शॉर्टेज था वो था। लेकिन अभी सब मैनेज किया, क्योंकि अगर हम लोग अभी इधर से निकलेगा फिर भी 4 घंटा लगेगा हम लोग को पहुंचने में, और 4 घंटे में हम लोग शायद गाड़ी नहीं मिलेगा हम लोग को, क्योंकि गाड़ी 4 बजे छोड़ेगा और अभी नहीं मिलेगा हम लोग को, बस यही पता है। सो इसलिए हम लोग क्या किया, गाड़ी का कैंसिल कर दिया, कल जाएंगे। आज जो इतना भी रास्ते में व्यू पॉइंट वगैरह है वो सब घूम के कल इधर से निकलेंगे। सो वही अभी तक तो का प्लान है, बाकी देखते हैं। अभी थोड़ा फोटो उठता है इधर में, पूरा अच्छा वाला सीटिंग है, एटिया है, कोई टेंशन नहीं है, मज़ा है। दार्जिलिंग कैसा लग रहा है भाई, मज़ा है ना, मौसम भी मज़ा है, ड्राइवर भी मज़ा है, हम भी मज़े में है, और रास्ते भी मज़ा है। नेपाल में तो नहीं आया, फिर भी नेपाली गाना सुन रहा है, क्योंकि इधर में ज्यादातर नेपाली लोग ही है, इधर में गुरखा नेपाली है। देखा गाड़ी, देखा टर्निंग, क्या मजा व्यू है, मजा व्यू है। गाड़ी रुका है, इधर गाड़ी रुका दिया है हम लोग को थोड़ा साइड सीन के लिए, मजा आ रहा है। कश्मीर फील आ रहा है अभी थोड़ा। मिस्टर बेन कहा, फोटो घूमेगा, ओ घूमो। हाँ जवाब नहीं है, वो देखो सेल्फी बॉय तू है पाली। रोड भी अच्छा है, ये गाड़ी है भैया का, भैया आप भैया को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, भैया का नंबर है, स्क्रीन में भी आ रहा है शायद नंबर, आप उधर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पूरा फुल टूर आपको सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग घुमाएगा, पूरा आराम से घुमा देगा आपको, कोई टेंशन ही नहीं। अच्छा है भैया, अच्छा है। चलिए अभी नेक्स्ट जगह में रुक के आपको दिखाता है, अभी फिर थोड़ा सांस लेता हूँ खुल के। क्या नजारा, तो नजारा है ऊपर से, फ्रेश एयर, एकदम फ्रेश एयर। तो भैया ने और एक पॉइंट में रुका दिया, अभी जगह नाम है सिनेमा क्यू देख के आता है, जो बहुत सारा गाड़ी रुका हुआ है, तो हम लोग भी रुक लिया थोड़ा। ओ देखो पेड़, देखो क्या मजा पेड़ है, ये इसका नाम है सिनेमा। अच्छा लेकिन फोगी है ना, इसलिए मैं फोटो क्लिक करने का है, जंगल में फोटो क्लिक करता है, तो इधर आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। दुकान हर जगह मिलेगा और मोमो भी हर जगह मिलेगा। सब फोटो खींचने के लिए है ये जगह। चार्जुन ये है पाइन व्यू पॉइंट, पूरा
हम भेज देगा आदमी को, वो ले रहा है हम लोग का टिकट। ये तो किला किला रास्ता भी खराब है, ये भी पूरा किला हो गया किला पे, पूरा कोरा ही कोरा। चलो खेल रहे पीछे को सर, रास्ता बहुत खराब है, किचड़ है पूरा, फिर एनी टाइम ये यहाँ पे धूप ही नहीं लगता है, वैसे ही लग रहा है दिख के तो कोरा है कोरा, ऊपर क्या है पता नहीं, ये दिखाई नहीं दे रहा है। यही है व्यू पाइन व्यू पॉइंट का, आ सकते हैं आप लोग, लेकिन ऐसे ही सिर्फ पाइन व्यू के लिए, मतलब ये अगर रास्ते में गिर जाए तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। अरे गाड़ी लोग खास खा रहा है, प्रेस करते हैं, ठीक है अभी दूसरा पॉइंट में मिलता है। उनके दिन में पाइन व्यू पॉइंट में गाय दिखा खास खा रहा है, जो क्या करे अभी इंसान है समझ ऐसा करते ठीक है। हम लोग अभी इधर से निकल रहे हैं, निकल के अभी नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे शायद, अभी नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है मतलब रास्ते में जो भी पॉइंट आएगा सब में रुकाएगा ठीक है। अच्छा और ड्राइवर खुद रुकाता है, सब बोलना नहीं पड़ता कि रुको इधर, खुद रुकाता है तो ये अच्छा है। और इधर में बाहर में खाने पीने का सामान सब मिल जाता है, क्या खाएगा मोमो खाएगा मैगी खाएगा सब मिल जाता है, राइस थोड़ा खाएगा रिजनेबल नहीं है। तो अभी हम लोग पहुंच गए सुखिया, ये सुखिया पूर्व ये भी बोल दे, तो इधर अगर कंचनजंगा जाना है तो इधर से आप जा सकते हैं, बोला इधर गाड़ी मिल जाएगा क्योंकि ये सब गाड़ी नहीं जाता है, उसके लिए अलग गाड़ी होगा। ऐसे मानी मंदिर तक जाएगा, मानी मंदिर तक जाएगा यहाँ से, ये उधर तक जाएगा, हम लोग को इस तरफ जाना है, इधर से आप लोग कंचनजंगा जा सकते हैं और हम लोग इधर सीधा जा रहे हैं क्योंकि हम लोग को वो मेरिक जाना है, इसलिए हम लोग सीधा जा रहे हैं। अगर कंचनजंगा जाना है होता तो राइट जेड लेते हैं, हर लोग क्या मजा है इधर सिनेमा सिनेमा व्यू पॉइंट। और एक पॉइंट आया है, ये जो पॉइंट है ये शमशान है बोला, मुर्दा लोग को करता है इधर आया, लेकिन फोगी है कुछ दिखाई नहीं देगा, गाड़ी इधर रखा हुआ है पूरा। लेकिन फोगी है कुछ दिखाई नहीं देता है, ये गोलीटार व्यू पॉइंट, गोलीटार व्यू पॉइंट है जैसा अच्छा व्यू आता है शायद, लेकिन अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है, फोगी फोगी है लेकिन व्यू अच्छा आता है शायद इधर से है इधर में, लेकिन अभी तो फोगी है अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मेरी गोड 19.5 किलोमीटर है इधर से, सिलीगुड़ी 69 किलोमीटर है, पुष्यपति पटक 6 किलोमीटर है, तो पहले हम लोग पहुंचेगा शायद पुष्यपति पटक मतलब नेपाल, तो इधर है नेपाल बॉर्डर है शायद दिखता है, लेकिन अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा कुहासा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है अभी, लेकिन इधर नेपाल बॉर्डर है।
ड्राइवर साहब हम लोग के साथ घूम रहे, पूरा दिखा रहे कहाँ क्या है कहाँ नहीं है। ये निकल मत के शायद इधर से गाड़ी लेके जाना पड़ेगा जो पशुपति मत के ये शायद देखते हैं सीमाना व्यू पॉइंट। तो इधर से मतलब आपको दिखा देता था पूरा गाड़ी भी देखते में शॉपिंग कर रहे हैं, थोड़ा कुछ लोकल मार्केट का शॉपिंग कर रहा है। 450 वाला ना 450 ये सब क्वालिटी डिफरेंट है ना। खाने से जाने के लिए भी बहुत सामान है, फिर खोल देंगे ऐसे। हां ठीक है, मेरा पैकिंग हां अच्छा करिए। एक्सेल से मोटा मांस है। हां पतला है एक्सेल नहीं, फ्री साइज होता है। फ्री साइज होता है ना, इधर भी अच्छेगा ना, इससे फ्री साइज। फ्री साइज होता है ना, सामान बहुत सारा है। यार ये तो सेम है ना, ये कुछ फोटो वगैरह इधर से जो व्यू है उसका फोटो वगैरह है जो इधर से सब व्यू दिखता है। अच्छा बना हुआ है, एक खोल लेना। चेन भी बना हुआ है पूरा टच लिख का ये है ना। अंदर कितना है ये, इसका दाम 120 है। सब कुछ पूरा मसाला है, पता नहीं क्या है ये। बोला बियर भी मिलता है, सब मिलता है। अभी देखो फिर से फूकी हो गया, फिर थोड़ा क्लियर हुआ था, फिर से फूकी हो रहा है। यही है, ऐसा ही है। नहीं पकड़ सकते ना सर, होने का चीज सब 300 होने से ऐसा करिए 380 करके दे रहे हैं। ये मफलर 150 करके है ना जी। ये कलर ही अच्छा होगा ना, कपड़ा ये ऊल का है ना। हाँ ऊल का है, गर्म होगा ना। अरे नहीं 150 का एक मफलर है, तो मफलर ले लिया एक। अच्छा ले लिया, अच्छा है मफलर, ऐसा ले लिया 150 का है। अच्छा है, मतलब इतना भी खराब नहीं है, इतना भी अच्छा है, क्वालिटी थोड़ा अच्छा है 150 हिसाब से। मतलब वैसा उसल बोला है, इतना नहीं वर्थ नहीं है, वर्थ है। तो अभी देखते हैं और मार्केटिंग क्या क्या कर सकते हैं। 150 ना लगे है ना, इसलिए क्या है भेलपुरी। भेलपुरी नेपाल में इंडिया का भेलपुरी। अच्छा क्या चाहिए, क्या चाहिए, बोलो ना, क्या क्या देखना है, क्या देखना है, क्या लेना है। पूरी मैगी कितना करके है, मैगी कितना है, ये कॉस्ट रखी रहती है। ओनली फॉर यू 50 रुपीस बेबी। 50 रुपीस यस बेबी। अरे आपको किसी का ब्लॉग में भी देखा था ऐसा ही। ओह माय गॉड बेबी, आई लव यू बेबी। ये इसमें डाल देंगे कितना देखो। वो 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 उसका दांत कौन है, चाय मिल जाएगी, चाय मिलेगा कितना, सब मिलेगा भैया। तो इधर मैं आप अगर फोन में आए तो इधर रुक के खाना खाइए, सब खाने का मिलेगा इधर में। ये दुकान है इधर, और दुकान है बहुत सारा, दुकान है सामने भी, दुकान है खाने का, दुकान है मोमो वगैरह चल रहा है। अच्छा 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 मजा नहीं था, बना दीजिए। तरफ से घुमा दो या इंडिया की तरफ से घुमा दो। खुश हो गया, दिल खुश हो गया। अरे कितना शर्माता है
मार दिया बे। अरे ऐसे में शादी कैसे करेगा गोविंदा? रुक रहा हूँ सब लोगों को। देखो बहुत मजाक करते हैं, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है इधर में। और ये बहुत फ्रेंडली नेचर का है, इधर हम लोग मोमो वगैरह खा सकते हैं। ये नेपाल, ये नेपाल इसको जान देगा ना, ये नेपाल है, ये इंडिया है। नेपाल बॉर्डर, इंडिया नेपाल बॉर्डर, ये इंडिया ये नेपाल गेट, जब मैं सिर्फ आई टी चिकन में से हो जाएगा। नेपाल बॉर्डर एंट्री हो गया, उधर से गेट से आईडी चेक करके आगे जा रही है नेपाल एरिया। अच्छा वो है नेपाल, वेलकम टू नेपाल। पूरा गाड़ी को, पूरा गाड़ी को दीजिए, चार जना छ और पाँच जना छ। चलो निकलते तो चलो नेपाल बॉर्डर। हम लोग गाड़ी ठीक कर लिया, या तो 300 रुपये से ठीक कर दिया। दलाल दे आगे बैठो, अपने को अब लोग क्या लोगों सेटिंग जाना है माइक मोबाइल। टोकन दे दिया, अभी उठना पड़ेगा। ये मार्केट है पूरा, इधर घूम के चले जाएंगे आधा घंटा। क्या है किचन, नेपाली किचन, सब किचन है, अंदर में क्लॉक है। अच्छा पूरा प्योर मेटल का है, अच्छा है, ये भी अच्छा है। जिसमें किचन, भी किचन अच्छा ही है नेपाल के, सब लोग बोला गया इधर। देखते हैं कुछ शॉपिंग अगर इंटरनेशनल मार्केट से कर पाए, बजट अंदर बजट में आ गया तो कर सकते हैं, तो शायद बैग लेने वाला है। बैग नहीं मुझे बड़े में सब जो भी है सर, खरीद के पलता ही करना नेपाल का सिक्योरिटी गार्ड तीनों पलाएं। सबका एक ही दाम है क्या, अलग अलग है? ये 120 का है। ये 120? जी। 50 का? 50 का। ये कॉइन है 10 के 5 के। ये 10 का 1 पीस मिलेगा, 10 का 2 पीस मिलेगा, ये जितना भी चाहिए चुनू से मिल जाएगा। 50 में तक मिल गया।
नेपाल नेपाल का पैसा है क्या ये? तो देवता भी है में गाड़ी तो नहीं है मेरा अभी तो ले लेता। ये सब कितना है? ये आप पड़ जाइए 650। 650 ये नेपाल का जो पैसा है इंडियन के समसेम है ना? बराबर बराबर है। किरिंग लेना पड़ेगा अब। वो ये किरिंग एक दीजिए तो 50 वाला। 50 वाला ये 5 रुपए का कॉइन ना नेपाली? 10 का दो मिलेगा, 10 का एक मिलेगा, 10 का एक रुपीस टू कितना करते हो? 10 का एक, 10 का दो। अच्छा अच्छा एक रुपया, ये एक रुपया, ये 2 रुपया है नेपाल का। दीजिए वो कितना दे दीजिए। ये नोटबुक है, वो कॉइन, ये भी एक कॉइन है नेपाल कॉइन, 15 ऑल डिफरेंट कॉइन, सब कॉइन इधर में है। ये कितना का है? 100। 100 इसमें सब कॉइन है नेपाल का। क्या क्या कॉइन है? 100 रुपीस, ये 10 रुपीस में 2 पीस, ये 10 रुपीस में 1 पीस, और ये पैसा बराबर पैसा मिलेगा, सब ओरिजिनल पैसा है। एक घर में लगाने वाला है ये बड़ा भाई। ओवर ये देखिए ये 50 रुपया, ये 20 रुपया, उसका पैसा 10 20, ये 2 लेते हैं, एक लेता है। और वो दिखाए तो थोड़ा पैसा, ये 50 रुपया की, 20 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, ये 50 रुपया पैकेट, ये 100 रुपया पैकेट, ये 200 रुपया पैकेट, ये 200 का पैकेट, ये नेपाल का 100 रुपया, 100 ये 90 है, 5 रुपीस है, 2 रुपीस कॉइन है, ये सब है। ये 50 का पैकेट एक दीजिए तो ये रख देता है। 50 50 20 70 और बड़ा थोड़ा खुले ना, देखते हैं कितना है। खोलना नहीं पड़ेगा सर, आप लोग देख लीजिए सब, ये नोट है, ये सब किया हुआ है, ये नोट है 50। इधर से खर्च भी कर सकता है आराम से, इसमें सब है, 10 का है, 20 का है, 50 का है, 50 का है, अब जो ये 100 का है ना, मैं जो लिया इसमें इसमें किसने कितना का नोट है? इसमें 20 का नोट, 10 का नोट, 5 का नोट, 20 का, 10 का, 5 का, और कोई नहीं। अच्छा अच्छा ऐसा है। 50 50 100 120 120। अच्छा मैं बिल का ले चुका हूँ, खा के देख रहे हैं सर। इंडियन बोला यार चुके मीठा नहीं है दो, ये बेसी खट्टा क्या? हाँ खट्टा है, तो पूरा खट्टा है, खट्टा है। ये 50 रुपए का लीचू हम लोग का खट्टा है, लेकिन चल हम लोग लीचू ले लिया फाइनल। नेपाल का वाइन 300 रुपया,
सके। ये कितना है? 50 रुपीस। मीठा है ना? मीठा है ये वाला। कितने का अंकल जी ये वाला? 200 देगा। ये गाय का दूध से बनता है ना? कैसे खाता है इसको? इसको धीरे धीरे मुंह में रखे, तो मुंह में रख के स्वीट जैसा। ये स्वीट है होटल का लॉलीपॉप। चॉकलेट बोल रहे हैं भैया? चॉकलेट है क्या दादू? ये दिनो 200 रुपए में कहा 200 में होते नहीं, आउते नहीं 200 में दादू। दिन 200 में यो चले आओ। 200 में चले छे हम लिए 300 में। ये दादू ये किसने का? ये लो एस्टो का बोल लिए 200 का बोल लिए। वो ले रहा है चलो हो सानो चल 200 में। ये सानो ये चलो नहीं पति मिल जाए। हां पति मिल जाए 50 में। ये नेपाल का चाय पत्ती शायद 320 में दी रहा है। क्या है? मच्छी ड्राई फिश। ये किस कैसे खाता है इसको? डायरेक्ट खाता है या पका के खाता है? डायरेक्ट ना। कितना दिन तक इसका वो है सेल्फ लाइफ? ये तो बहुत दिन तक। बहुत दिन तक है ना? कितना है इसका एकदम? एक का दम बुला रहा है आपको? बुला रहा है मैडम? ये दूसरा दे दो। ये तो हमारे बैंक में तो हमारा तो कर देता है। ये कितने का है? 60 रुपीज। 60 रुपीज का है भाई ये। और ये भी है कुछ डॉलर है ना? चाय पत्ती। ये क्या पत्ती ब्लैक? कितना है इसका? 170। ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है और इतनी चाय पत्ती 170। इतना प्यारा नहीं पता है। ये दीजिए। ये पैसे कुछ खर्चे कितना हुआ इसमें? 120। ये कितना है? अखरोट 190। ये कितना है? 40 है। 20 नहीं है। क्या बा? 20 रुपये। 20 रुपये। कुछ सामान लिया है नेपाल का लोकल के लिए। घूमने के लिए अभी आगे वापस रिटर्न। ओ हाँ हाँ भूल गया। थैंक यू भैया। थैंक यू बोला। ये नेपाल का वाइन शॉप। इसमें वाइन शॉप नहीं होता है, जहाँ पे भी बिक सकता है। हाँ नेपाल गेट सामने से फोटो लेंगे पीछे से क्यों। तो ये नेपाल गेट हम लोग अभी वापस आ चुके हैं। ये नेपाल गेट Thank you.
बोलिए आप कुछ बोलिए ब्लॉग में, आपका भी वॉइस रिकॉर्डिंग हो जाए क्या बोलिए कुछ। हम तो ये हो जाए भाई, ये सब्जी लेके आए नेपाल से, नेपाल से सब्जी लेके आए, सभी लोग कुछ ना कुछ लेके आए। नेपाल गेट है, हम लोग पहुंच गए ये पे मेरी मेरी लेक। ये है मेरी लेक, अंदर मेरी लेक, ये छोटा वाला लेक। अंदर में जाने से टिकट लेना पड़ता है, अभी टिकट लिख के देता है कितना है। चल टिकट ना, टिकट अमेरिका लेक का ये एक ड्रोन है, सभी ड्रोन में पूछ के देखता है कितना लेता है पैसा। कितना पैसा है कितना है? 160 एक राउंड पूरा ना क्या? शॉर्ट राइड 320 अच्छा160 हम अभी ये मेरिक में आके 160 लेता है अपे हॉर्स राइड का, शॉर्ट राइड के लिए। और फुल राइड के लिए कितना था भैया? 640 लेता है फुल राइड के लिए। फुल मतलब इधर पूरा पार्क घुमाएगा और 160 में सामने तक लेके जाके घुमा के लाएगा। सो आप एक्सपीरियंस के लिए ठीक है 160 ना, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस के लिए ना भैया ठीक है ना। वो ऐसा रास्ता है, सिर्फ घुरा वाला रास्ता है। ओ भाई कैसा है? बहुत मजा है, डर लग रहा है ना? अरे भाई बहुत डरावना राइड है, बैलेंस बना के रखना पड़ेगा नहीं तो गिर जाएगा। टाटा टाटा बाय बाय। क्या हुआ तेरे साथ? क्या हुआ बोल बोल, एक बार एक्सप्लेन करना। इसका घोड़ा बोले पूरा दौड़ने लगा, जो पे बैठा था पूरा दौड़ने लगा घोड़ा इसका। क्या हुआ घोड़ा का भाई? इसका घोड़ा में जो बैठा था ना, वो घोड़ा बोले मालिक को छोड़ के इसका जान निकल गया था बेचारे का। अरे यार बेचारे का जान निकल गया था। मेरिक पार्क के सामने इधर में फ्रूट्स का दुकान, मिक्स फ्रूट कितना है भैया? 50 अच्छा। और ये सिंगल सिंगल वाला वो भी 50 है, कोई सा भी ले सकता है। आए भाई ये है खाना आज का, अभी तो कुछ नहीं गया, यही खा रहा है। इधर में थोड़ा टी गार्डन में रुका है, ये टी गार्डन पूरा नजारा अभी ऊपर से, ये ऊपर में था, इधर में रुका है, नजारा बहुत अच्छा है, मजा है मजा है। ये सिलीगुड़ी का रास्ता, ये मेरिट और ये प्यार से व्यू, मजा है। अभी फोगी है इसलिए इतना व्यू नहीं मिल रहा है, लेकिन फोग नहीं होने से बहुत व्यू मिलता है अच्छा वाला। आगे पहुंच गया दार्जिलिंग से, अभी सामान निकल के ये हम लोग का होटल ठीक किया है। वो बहुत ऊपर, वो सबसे ऊपर वाला रूम, वो रूम है हम लोग का सबसे ऊपर वाला रूम है हम लोग का।